नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। कल उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। मैं सभी से कहूंगा कि सभी लोग एक तो 100% मतदान के लिए आए, और मतदान बहुत जरूरी काम है, और सबको अपने जानने वालों को पहचानने वालों को सभी मतदान के लिए लाना है। प्रातःकाल सबसे पहले सबको मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है। ऐसी सरकार चुननी है जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाली सरकार हो, जो उत्तराखंड का विकास करने वाली सरकार हो, ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ कदम ताल करे, यानी कि उत्तराखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाए, ऐसी सरकार चुनने का जो है सभी को राइट है। सभी लोगों को आगे आकर, अब चूंकि ये 5 वर्ष में आने वाला महायज्ञ है, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। सर, क्या विपक्ष से इस बार टक्कर है या किस तरीके का बीजेपी का? नहीं, विपक्ष की कोई टक्कर हमसे नहीं है। विपक्षी लोग आपस में ही टकरा रहे हैं, अपने अंतरकलह में, अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी टक्कर चल रही है। हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखा है कि चुनौतियाँ हमेशा अवसर होती हैं, और उसके लिए दृढ़ परिश्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है, भागदौड़ करनी होती है, मन कर्म वचन से एक साथ काम करना होता है। तो मैंने उसको किया है, और आज भी ये जरूर है कि पूरे उत्तराखंड के साथ साथ मेरे खटीमा क्षेत्र का भी चुनाव है, तो यहाँ की जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है, इसलिए चुनौती भी हमारे लिए एक अवसर जैसी लग रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई तो किसी ने उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर वोट मांगे। कई प्रत्याशी ऐसे भी थे जो वोट के लिए जनता के सामने गिड़गिड़ाने तक से भी नहीं झिझके। इस बीच सोशल मीडिया पर हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता का वीडियो वायरल हो रहा। हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने भी कुछ ऐसा ही किया। प्रचार के दौरान वो कुछ इस कदर भावुक हुए कि लोगों के सामने रोने लगे। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उनको गले में जूतों की माला डाल दी जाए, लेकिन वोट उन्हें ही दिया जाए, उनकी जगह किसी बाहरी को उनकी बोई फसल ना काटने दी जाए। ऐसा हुआ तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। विधायक जी का ये कहना काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जनपद बागेश्वर में विधानसभा निर्वाचन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर मतदान करने की बात कही है। जनपद में कुल 217,620 मतदाता हैं, जिसमें 46 कपकोट में हैं और 47 बागेश्वर में मतदाता हैं। वहीं पर मतदेय स्थलों की संख्या दोनों विधानसभाओं में 376 है। वहीं जनपद की दोनों विधानसभा में कुल 51 वर्नेबल मतदेय स्थल है, जिसमें कपकोट में 37 और बागेश्वर में 14 है। देखिए, हमने पूरी जो है तैयारी कल के लिए हमने कर ली है, और इसमें जो हमारी टीम जो डिस्पैच होनी थी, कुछ हमारी P-2 में टीम डिस्पैच होनी थी, 14 टीमें थी, वो ऑलरेडी जो है अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और बाकी जो हमारी 362 हमारी जो टीम से उसकी रवानगी आज होनी थी, तो ऑलरेडी मैक्सिमम हमने यहाँ पे सभी को EVM से वगैरह प्रोवाइड करवा दिया है, और सभी ने वो चेक वगैरह करके यहाँ पे मैक्सिमम जो है हमारी टीम से जो है रवाना भी हो चुकी है, तो उसकी लगातार हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो सूचना है जो है टोटल 28 हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं वो अपने पोलिंग स्टेशन पे ऑलरेडी पहुँच चुकी है। मद्देनज़र जो है हमने सभी बूथों पे और जितने भी हमारे मोबाइल पार्टीज़ हैं
प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, सबके साथ हमने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है। कुल मिलाकर के लगभग 1600 से ज़्यादा का हमारा सुरक्षा बल हमने इस मामले में पूरा तैनात किया हुआ है। डिप्लॉयमेंट पिछली बार से जो काफ़ी ज़्यादा है, अधिक से अधिक सुरक्षा देने के लिए, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CPMF और IRB की भी हमारे पास कंपनी हमारे अवेलेबल है, जिनका अभी तक हमने सब जगह पे रूट मार्च इत्यादि करवाया है और वर्तमान समय में वो पोलिंग में हमें सपोर्ट करेंगे। पोलिंग बूथ पे जो है भी उनकी तैनाती करी है, खासतौर से जो वल्नरेबल एरिया हैं वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा फोर्स के रूप में सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है। अधिक से अधिक मतदान को लेकर कांग्रेस ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं। इसको लेकर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यकर्ता मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हम राज्य की मूलभूत समस्याओं को लेकर जनता के बीच हैं और हमें उम्मीद है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में जनता मतदान करेगी। बहुत ही सुखद अनुभव है इस चुनाव का। अच्छा कैंपेन रहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव का कैंपेन हुआ। हमारे राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने भी 3-4 सभाएं यहां पर की, प्रियंका जी ने भी यहां पर सभाएं की 6-7 सभाएं, सचिन पायलट जी ने 10-12 सभाएं की, दीपेन हुड्डा जी ने की। कुल मिलाकर हमने छोटी बड़ी लगाकर कम से कम 100 के लगभग सभाएं पूरे प्रदेश में की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का डिजिटल सभा करने का कार्यक्रम चला, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी डिजिटल रूप से संबोधित किया, नेता प्रतिपक्ष ने भी किया, कई जगह लोग गए। और निश्चित रूप से हमें तो जनता पर अगाध श्रद्धा है, उत्तराखंड की महान जनता निश्चित रूप से हमको समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और इस प्रदेश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की है। आपको बता दें कि इस कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रदेश की 70 विधानसभा पर नजर रखी जाएगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि कंट्रोल रूम में कानूनी विभाग और सोशल मीडिया विभाग को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रदेश के किसी भी मतदान स्थल से कार्यकर्ताओं की कोई भी समस्या या शिकायत आने पर यहां से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जनता पार्टी इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर जनता के बीच गई है। डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे हमने जनता के सामने रखे हैं। और साथ ही जनता के सामने हमने विपक्ष की जो नकारात्मक भूमिका है और विपक्ष में रहते हुए गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसको भी रखा है। तो मूल रूप से हमारा जो एजेंडा है वो विकास का है और ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी सुमित ने जहां बीजेपी प्रत्याशी पर मतदाताओं को रिझाने के लिए धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला के घर के बाहर मीट मांस और शराब के साथ रुपए बांटे जा रहे हैं, जहाँ आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इसका तो देखिए चुनाव आयोग को सब अरेंजमेंट करना चाहिए, कल ही से शुरू हो गया था ये खेल। कल कुछ क्षेत्रों में बांटा गया, पैसा बांटा गया, शराब बांटी गई, मीट मांस बांटा गया, आज फिर से डम्माडुंगा क्षेत्र, राजपुरा क्षेत्र, गांधीनगर के क्षेत्र के लोग वहां लाइन लगा के खड़े, प्रत्याशी के घर के सामने 1 किलोमीटर लंबी जाम लग गया, सड़कों पर खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। डबल इंजन 5 साल तो सोया रहा, अब डबल इंजन का प्रयोग हो रहा है, केंद्र से भी बरसा रहे हेलीकॉप्टर से और यहाँ के भी लोग जो काम कर रहे हैं केवल वोट खरीदने का प्रयास है और इनका प्रयास भी विफल होगा। जनता इनसे इतनी त्रस्त है, इनको सबक सिखा के रहेगी। अब पुलिस व्यवस्था वगैरह ये लोग पुलिस तो निरंकुश होकर बैठी हुई है, हाथ पांव लेकर सोई हुई, प्रशासन भी सोया हुआ है। हमने अवगत कराया उनको कि ऐसा हो रहा है, वो तो सोए हुए हैं। तो आज निर्वाचन आयोग से मेरा निवेदन है कि आपका जो आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन इस क्षेत्र में हो रहा है उसके लिए आप लोग कुछ करिए, हल्द्वानी को सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करिए
रात में पूरी किलेबंदी तालाबंदी के लिए तैयार हो जाइए, और अगर ये नहीं करेंगे हमारे लोग अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करना बेहतर तरीके से जानते हैं, और उसके उसके उपरांत अगर कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होंगे। आप क्या मानेंगे, मानते हैं कि पूरी तरीके से सरकार जो है बीजेपी की तरफ यहाँ, अरे सरकारें तो आती जाती हैं, इनकी तो जारी है, जो आज प्रतिपक्ष में बैठे थे वो कल पक्ष में बैठे हैं, जो आज का विपक्ष है वो कल सरकार बना रहे हैं सत्य इस उत्तराखंड देव भूमि की, लेकिन ये लोग हमें हल्के में ले रहे हैं और गलत फहमी में जी रहे हैं। नहीं घबरा के गए, तभी तो इतना पैसा निकाला, जो भ्रष्टाचार से गाड़ी कमाई इन्होंने करी है 9 साल, वो भ्रष्टाचार की गाड़ी कमाई, ईमानदार बताने वाले और अपने आप को स्वच्छ ईमानदार बताने वाले व्यक्ति के घर के बाहर लाइन लग गई, और आधार कार्ड लेके 500,000 और मीट मांस मुर्गा जो व्यक्ति बांट रहा है वो कौन से कलयुग का। जिला अल्मोड़ा के बेस मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय के साथ साथ रानीखेत, सोमेश्वर, धौला देवी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन आज तक इनको संचालन करने वाले टेक्नीशियन की भारी कमी है, साथ ही आईसीयू में भी काफी कमी है। हालांकि जनपद मुख्यालय में तो कुछ लोगों के लिए आईसीयू तैयार किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि कोविड को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अभी वर्तमान में क्यों डेडिकेटेड स्टाफ हम लोगों ने आईसीयू के लिए ट्रेनिंग कराया है, वर्तमान में अगर कोई भी आईसीयू रिलेटेड पेशेंट आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, पूरा पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है, उनको जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी उपलब्ध। विधानसभा चुनाव के लिए आज पौड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 275 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले में पौड़ी और कोटद्वार से पोलिंग पार्टियां विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। पौड़ी से पौड़ी, श्रीनगर और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर प्रस्थान कर रहे हैं, जबकि कोटद्वार से कोटद्वार, लैंसडाउन और यमकेश्वर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। बता दें कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 672 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जिले की लैंसडाउन विधानसभा का पांड मतदान केंद्र है, जहां पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होगी। से 2 दिन पूर्व हमारे जनपद की 6 विधानसभाओं की कुल मिलाकर 275 पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही है। आज के इस प्रस्थान दिवस पर यहाँ पर जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं कंडोलिया फील्ड में, पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं, और हमारा कोटद्वार डिग्री कॉलेज से कोटद्वार विधानसभा, लैंसडाउन विधानसभा और एमपीसी विधानसभा, उनकी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। वहाँ के सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर भी सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है, साथ में उनके जो ड्यूटी ऑर्डर्स हैं वो रिसीव किया जा रहा है। हमारे सारी व्यवस्था के दौरान उनको खान पान व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि मतदान के दिवस से पहले जो पोलिंग पार्टियाँ रवाना होती है, पोलिंग का जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल होता है, वहीं पर जाकर निवास करेंगे। साथ साथ में जो भी व्यवस्था है वहाँ पर उनको आरओ के कॉन्टैक्ट नंबर, सेक्टर ऑफिसर के कॉन्टैक्ट नंबर को सूचित कर दिया गया है, जिससे लगातार संपर्क बनाए रखा जाएगा। किसी भी आकस्मिकता को या किसी भी दुर्घटना को वो कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे ताकि उनकी मदद करवाई जा सके, इसके बारे में निर्देश यहाँ पर दिया गया है। हम आशा करते हैं कि इस वर्ष का जो मतदान होगा 14 फरवरी का, वो शांतिपूर्ण ढंग से हम संपन्न कराने में सफल रहेंगे और इसमें हमारे मतदान टीम अपना। नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं में हल्द्वानी के एमबीपीजी इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का सिलसिला शुरू हो गया। जिले की 6 विधानसभाओं में 1008 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में एक दिन पहले 24 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल के मुताबिक दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को 1 ईवीएम एक्स्ट्रा दी गई है। इसके साथ ही जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने भी और अधिक क्षेत्रों में ईवीएम अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई है। अगर मतदान के दौरान किसी भी ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी पाई गई तो मतदान प्रभावी ना हो सके, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जिले में 35 जोन और 106 सेक्टर विभाजित किए गए हैं।
जो नवाना हो चुके थे जो सारी की सारी मिमता विधानसभा क्षेत्र में और रिमेनिंग पार्टियां हमारी छह के छह विधानसभाओं के लिए आज एमबी कॉलेज और एमबी इंटर कॉलेज से रवाना हो रही है, जिसमें एमबी इंटर कॉलेज में आपके भीमताल विधानसभा क्षेत्र और नैनीताल विधानसभा क्षेत्र की टीम वहां से रवाना हो रही है और चार में विधानसभा पोलिंग पार्टी जमा गई है। तो अभी तक लोगों ने अटेंडेंस लिया है तो 99% रिपोर्टिंग कर ली है, कुछ एक दो प्रत्याशी ने अधिकारी हैं उनके बारे में पता चला कि उनको कोविड हो गया तो उनकी जगह पर हम लोगों ने रिजर्व से ड्यूटी। तो ये सारी पार्टियां रवाना होने से पहले इनको एक डायरेक्शन ये है कि पीडीएम सिस्टम में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है, इस पीडीएम सिस्टम के माध्यम से ये अपना समय समय पर सूचना हमें देते रहेंगे कंट्रोल रूम को कि उनकी पार्टियों ने ईवीएम मशीन प्राप्त कर ली है और उनकी पार्टियां पोलिंग बूथ में पहुंच चुकी हैं और कल जब मतदान स्टार्ट होगा हर दो घंटे के अंतराल में वो पीडीएम सिस्टम के माध्यम से हमें सूचना प्रदान। नैनीताल जिले को 3 सुपर जोन आपका 35 जोन 106 सेक्टरों में बांटा गया है, इसके अलावा इसमें 89 वल्नरेबल बूथ्स हैं, 61 क्रिटिकल एरियाज हैं। हमारे यहाँ स्पेशल ट्रबल एरिया 20 बनाए गए हैं। टोटल 11 कंपनी CPMF की लगाई गई है, 1600 होमगार्ड लगाए गए हैं, इसके अलावा वन दरोगा, वन रक्षक और जनपद की समस्त फोर्स लगाई गई है। अगर देखा जाए तो हर थाने को 2 मोबाइल अलग से दिए गए हैं, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रिजर्व में दिनेशपुर थाना अंतर्गत रामबाग गांव के समीप वैगनार कार से 49 पाउच अवैध कच्ची शराब चुनाव उड़न दस्ता टीम के द्वारा पकड़ी गई है। कार में 3 लोग सवार थे। उड़न दस्ता टीम के द्वारा कार समेत 3 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बता दें तीनों लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कि डॉक्टर आनंद विश्वास जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है और गदरपुर में उनका निवास है, ये सरासर जो है ये कह रहे कि मेरे घर पे जो बर्थडे पार्टी है कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। अगर उनके घर में कोई बर्थडे पार्टी है तो उनके बच्चे का वो जो सर्टिफिकेट है जन्म प्रमाण पत्र वो दिखाएं कि वो जन्म प्रमाण पत्र पर तो लिखा होता है कि कब बर्थडे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है इस टाइम अभी एक दिनेशपुर में जो 21,000 रुपये का एक खुलेआम जो है पैसा दिया गया, उसके लेके भी एक बाजार गर्म है। तो पैसा और दारू बांटने का इनका जो काम है वो बहुत पुराना काम है और जनता समझ चुकी है, बातों में और बहकाव में आने वाली नहीं है। का दल में हूँ शंकर लखनपाल। मैं आज सुबह जो है दिनेशपुर गदरपुर मार्ग पर जो है वाहन चेकिंग कर रहा था तो ये रामबाग के गेट के पास जो है एक वाहन हमने जब रोका जिसमें दिल्ली का नंबर था तो उसमें जो है मुझे चेकिंग के दौरान जो है 49 पाउच जो है कच्ची शराब के उसमें मिले, जिसमें जो है हमने उसको पकड़ लिया है। और ये क्योंकि थाना दिनेशपुर के अंतर्गत आता है तो हम इनको जो है दिनेशपुर के अंतर्गत लेकर आए तो पूछताछ के दौरान जो है इन्होंने बताया कि ये जो है अपनी किसी पार्टी के लिए जो है लेकर जा रहे थे, ये किसी चुनाव में कहीं प्रयोग में नहीं लाने वाले थे, पर इन्होंने इसका क्योंकि कच्ची शराब है तो इसको हम पकड़ कर क्योंकि ये अवैध शराब है इसलिए हमने इसको बरामद कर लिया है। मन में कुछ करने का जज्बा हो तो तरक्की उसके कदम चूमती है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के मंडल सेरा निवासी 55 साल के वृक्ष पुरुष के नाम से विख्यात किशन सिंह मलड़ा ने। 32 साल पहले प्रकृति में विलुप्त हो रही औषधीय पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से अपनी माँ देवकी के नाम से देवकी लघु वाटिका की शुरुआत की। कालचक्र में चलते चलते आज किशन सिंह मलड़ा की वाटिका में विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के पौधों को अपनी देवकी लघु वाटिका में संरक्षण दिया गया है। मेरा एक छोटा सा प्रयास ये रहा कि मैं किस प्रकार से विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण अपने जीवन में कर सकूं, तो एक छोटा सा प्रयास जगह जगह जो पौधे मेरे द्वारा लगाए गए वो सफल भी हैं। जैसे हमारे यहाँ चंदन की खूब महत्ता थी और बहुपयोगी मेडिसिनल प्लांट है और
देवी पौधा भी समझा जाता है, उसका हमने यहाँ पर विकास किया। वैसे रुद्रांश भी हमने यहाँ पर लगाया। तो आज हमारे पूरे प्रदेश में जनपद बागेश्वर में ही चंदन के करीब 1100 पौधे बीज दे रहे हैं जो विभिन्न स्थान पर, और उसके पक्षी प्रसार से जो बीज फैल रहा है वो जगह जगह जा रहा है। तो चंदन के पौधे और चंदन के वन बन रहे हैं, और सिर्फ आवश्यकता है लोगों को आग से उन्हें बचाने की और पहचानने की, क्योंकि चंदन परजीवी है। वो किसी भी झाड़ी में गिरे, चाहे हमारे वहाँ लंटना के बीच में चले जाए, वो कोयरी में चले जाए, इसालू किलोड़ी किसी भी घास के बीच में अगर वो स्वयं को उग जाता है तो अपने को पोषण अच्छा कर लेता है। तो चंदन रुद्रांश भविष्य में अच्छा रोजगार भी हमें देंगे। अच्छा, उसके साथ ही सिलिंग विलुप्त प्राय पौधा है, और जिसके नाम से हम उसे भगवान शंकर भगवान के मंदिर में लगाने की बात करते हैं, उसकी पूजा करने की बातें करते हैं, लेकिन अगर ऐसी बातें नहीं करते तो शायद वो जीवित भी नहीं रहता। फिर भी विलुप्त प्रजाति है, उसका हमने संघर्ष कराया, कई जगह सिलिंग के पौधे लगाए हैं और आज वो फल फूल रहे हैं। काफल के जंगल बनाने का हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सारे वादों के ऊपर उत्तराखंडियत हावी है, इसलिए मोदी जी को जिस टोपी की इतने सालों तक याद नहीं आई उन्हें उत्तराखंड में आकर वो टोपी पहननी पड़ी। उत्तराखंड में जनता बनाम बीजेपी के लिए वोट हो रहा है। वहीं इस दौरान हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा, मैं वही हूं जो शाह ने कहा है, उत्तराखंड के हितों की बात आएगी तो भौंकूंगा भी और जरूरत पड़ी तो काटूंगा भी। सुनिए, भाजपा के सारे वादों के ऊपर जो है उत्तराखंडियत हावी है, भारी है, और इसीलिए मोदी जी को भी उत्तराखंड में आकर के जिस टोपी की इतने वर्षों तक याद नहीं आई वो टोपी पहननी पड़ी है। जो भाजपा के जो जुमले हैं वो सब ग्रामोफोन के घिसे पीटे रिकॉर्ड हैं, तो उस पर अब जनता वोट नहीं करने जा रही है। इस समय वोट हो रहा है पेट बात पर, वोट होगा रोजगार पर, पेट महंगाई पर, वोट होगा कि किस तरीके की गवर्नेंस है, विकास पर, कोरोना काल में आपने किस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग उसकी स्मृति को याद रखे हुए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, उन पर वोट होने जा रहा है। बल्कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि कल उत्साहपूर्वक अपने मतदान केंद्र में जाएं और मतदान करें। हमने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ कहा है हम उस पर बिल्कुल स्टिक करते हैं। और दूसरी बात यह है, हरीश रावत का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, मैं 2014 में मुझे ध्वस्त अर्थव्यवस्था मिली थी और ध्वस्त उत्तराखंड मिला था, उससे हमने पुनर्निर्माण और पुनर्निवास करके अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्वासित किया और एक सक्षम अर्थव्यवस्था के रूप में हम खड़े हुए, जिसकी पर कैपिटा इनकम हमने 64,000 से बढ़ा करके 1,75,000 पहुँचाई, और जहाँ हमने अपने लोगों को जो राज्य की विकास दर थी उसको 11.5% की ड्रीम विकास दर पर पहुंचाया, और राजस्व वृद्धि दर को हम 19.5% लेकर के गए। हर पैरामीटर में हमने राज्य को आर्थिक पैरामीटर में मजबूत करने का काम किया। तो वही हाथ है हरीश रावत का, जो आते ही जो है सत्ता में सरकार आएगी तो हम जो है अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, और जो वादे किए हैं, पहला वादा तो हम 15 दिन के अंदर पूरा करना चाहेंगे, उसको तत्काल पूरा करना चाहेंगे, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में पूरा करना चाहेंगे। उत्तराखंड में बड़ी उम्मीद है, लोग परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में जो वोट हो रहा है वो जनता बनाम भाजपा हो रहा है। भाजपा ने 7वें बेड़े की तरीके से अमेरिका के हिंदुस्तान के उत्तराखंड के मनोबल को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब के जनता उठ करके खड़ी हो गई है। जिस तरीके से अमेरिका के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी से भागना पड़ा था, अब भाजपा भी जो है वो रविश्वर बांध करके यहाँ से भागने की तैयारी में। देखिए, मैं सत्ता की राजनीति नहीं करता, मैं संघर्ष की राजनीति करता हूँ, और जो सेनापति जो सैनिक होता है उसको यदि कह दिया जाए कि मोर्चा तुम्हारे नेतृत्व में फतह होना है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी उपाधि है, और मैंने उसको सिरोधार किया। बाकी अपना काम जिनको ये घोषित करना है वो जाने, और मैं एक बात जानता हूँ, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। ये समय है जब आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमको कुछ मानसिकताओं को त्यागना है। हम पंजाब में एक परिवर्तन लाए, और मैं समझता हूँ उत्तराखंड जैसे सवर्ण बाहुल्य राज्य में भी वो दिन आना चाहिए। मंत्री
और गृह मंत्री के मुँह से नहीं निकलने चाहिए थे। राजनीति में हम शिष्टाचार उनसे सीखने की अपेक्षा करते हैं, मगर भाजपा की संस्कृति है वो अपने प्रतिद्वंदी को यदि इशारों इशारों में कुत्ता कहते हैं तो ये उनको मुबारक हो, ये उनको मुबारक हो उनकी संस्कृति। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लिए जो है मैं कुछ भी मुझको कोई कह दे मुझे स्वीकार ही है, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो उत्तराखंड के लिए, जीता हूँ तो उत्तराखंड के लिए। यदि कल कोई मुझे भौंकता हुआ कहता है तो मैं भौंकूंगा भी, तो जब उत्तराखंडियत के हितों पर चोट पहुँचेगी तो भौंकूंगा भी जो है। इसलिए मुझे घर का न घाट का नहीं बल्कि मैं उत्तराखंड का हूँ। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।